एक कैलेंडर ऐसा है जिसमें 21 दिसंबर 2012 के बाद की कोई तारीख नहीं है। क्या ये कयामत की तारीख है? दुनिया की बहुत पुरानी सभ्यता माया कैलेंडर में दावा किया गया है कि इसके बाद इंसान का वजूद खत्म हो जाएगा। हैरान हो गए ना, 3 साल बाद का ये कैलेंडर देखकर दिमाग में ये सवाल भी उमड़ रहा होगा कि आखिर 2012 के दिसंबर महीने में 21 के बाद की तारीख क्यों नहीं है। जब आप जानेंगे तो हैरान ही नहीं परेशान भी हो जाएंगे, आंखों से नींद उड़ जाएगी, दिन का चैन छिन जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही होगा अगर आपको कोई ये बता दे कि 21 दिसंबर 2012 को कयामत आ जाएगी। उस दिन सांझ ढलने के बाद कभी सूरज नहीं उगेगा, दिन खत्म हो जाएगा और अंतरिक्ष के अंधेरे कुएं में समा जाएगी धरती। ये दावा है मैक्सिको और कोलंबिया में आबाद रहस्यों से भरी माया सभ्यता का। 5,000 साल से भी पुरानी माया सभ्यता के विद्वानों ने जो कैलेंडर बनाया था उसमें 3,114 ईसा पूर्व यानी अब से 5,122 साल पहले 21 अगस्त से लेकर 21 दिसंबर 2012 तक की तारीख तो है, लेकिन 21 दिसंबर के बाद है सिर्फ शून्य। माया कैलेंडर की तारीखें इशारों में हैं और जो इन इशारों को समझते हैं उनका दावा यही है कि 21 दिसंबर 2012 ही है कयामत का दिन यानी एंड ऑफ द डेज। और जब दिन ही खत्म हो जाएंगे तो फिर कैलेंडर में बताने को बचेगा ही क्या। जानकारों के मुताबिक माया सभ्यता का ये कैलेंडर भी दूसरे कैलेंडरों की तरह ग्रहों की चाल पर आधारित है। फर्क सिर्फ इतना है कि माया कैलेंडर में काल चक्र की गणना सूर्य और पृथ्वी की बजाय सूर्य और शुक्र की चाल के आधार पर की गई है। माया लॉन्ग काउंट कैलेंडर के मुताबिक 21 दिसंबर 2012 को सूर्य और शुक्र गैलेक्सी के बीचों बीच उस जगह पहुंच जाएंगे जहां ब्लैक होल है और उसी ब्लैक होल में समा जाएगा धरती और सौरमंडल। माया सभ्यता के रहस्यमय ग्रंथों का दावा है कि हर 2 अरब साल में ऐसा ही होता है, धरती समा जाती है और फिर खत्म हो जाता है कैलेंडर, दिन, सूरज और उसका पूरा सौरमंडल। आज तक ब्यूरो।